दोस्तों रोज एक पौधा कार्यक्रम में आज बबूल का पौधा, बबूल का ट्री है, वेचिलिया नीलोटिका नाम का है, गम अरेबिक ट्री का नाम से भी कहते हैं। ये ज़्यादा तरफ से आप ये पानी कहाँ रहता है वही इस ये पौधा ज़्यादा तरफ से मिलता है, तालाब का आसपास, लेक का आसपास। ये एक बड़ा ट्री है, ये तो आप सब जगह मिलता है, सभी लोग जानते हैं। इसमें छोटा छोटा खाटा है रहते हैं, इसके पत्ती इमली के पत्ती जैसे बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। इसका ये फूल देखेंगे ना, पीली रंग का फूल रहता है इसमें। इसी टाइप का बहुत सारा पौधा रहता है, इसका पहचानने में आसान से पहचानने के लिए, बबूल का पौधा का आसान से पहचानने के लिए ये पीली रंग का फूल है, उससे आपका ये आसान से पहचान सकता है। ये पौधा में बहुत सारा मेडिकल बेनिफिट्स रहता है, इसका ये पत्ती है, ये डंडी है। इसके अलावा इसमें ये पौधा में ऐसे रेसिन आता है, ये गम जैसे रहता है, ये भी बहुत सारा फ़ायदा रहता है इसका। ये बबूल पौधा का छाल है, ये छाल का निकाल के एक चम्मच आधा चम्मच तक निकाल के उसके साथ थोड़ा सा गुड़ डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से लेडीज़ का यूट्रस थोड़ा सा नीचे हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा पेट दर्द ठीक होता है, छोड़ छोड़ के आने वाला पेट दर्द ठीक हो जाता है, लेडीज़ का वेट डिस्चार्ज इसमें ठीक हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस में इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो। ये बबूल का पौधा में ऐसा ये गम जैसे रेसिन है, ये निकलता है पौधा में निकलता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके इतना बड़ा टुकड़ा है, दिन में मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा लेके उसका रात को पानी में डाल के कम से कम 10 घंटे पानी में डाल के रखना पड़ता है। उसका रात को पानी में डाल के सुबह उसका निकाल के उसका उसी पानी के साथ थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा मीठा डाल के पानी डाल के उबाल के रोज पीने से मेल इनफर्टिलिटी ठीक होता है, उसमें मेल का स्पैम काउंट बढ़ जाता है, स्पैम मोटिलिटी बढ़ता है। इसके अलावा शरीर का अंदरूनी हिस्सा में एलर्जी हो जाता है वो ठीक हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ठीक हो जाता है, इसके अलावा लंग इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ये बबूल का पत्तियों का पीस के उसके साथ थोड़ा सा अरंडी का तेल डाल के बॉईल करके उसका पाइल्स को बाहर लगाने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये चोट लगने से दर्द है, इसका शरीर में दर्द कई सूजन होता है उसका, ये इसका पत्तियों का पीस के अरंडी के तेल से थोड़ा गर्म करके उस जगह पे लेप लगाने से वो जल्दी। ये बबूल का ये रेसिन को थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके रात को पानी में डाल के सुबह इसका निकाल के उसी पानी में थोड़ा सा ये बबूल का थोड़ा सा पत्ती डाल के उसके साथ त्रिकोस की मुखिया मद्रासा पटना का नाम का वो पौधा रहता है उसका पत्ती 4-5 डाल के इसका साथ कंटकारी लटका का नाम से एक पौधा है, कंटकारी लट्ठा उसी का पौधा का 4-5 पत्ती लेके उसका भी डाल के थोड़ा सा बटर डाल के मक्खन डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है वो ठीक हो जाता है, सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। बबूल का पौधा का ये रेसिन का ये छोटा सा एक टुकड़ा लेके इतना बड़ा टुकड़ा लेके उसको रात को पानी में डाल के सुबह इसका निकाल के उसके साथ थोड़ा सा दूध डाल के उसके साथ थोड़ा सा मीठा डाल के फिर उसका बॉइल करके उसका पीने से शरीर कमजोरी ठीक हो जाता है, अल्सर ठीक हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक होता है, मेल इनफर्टिलिटी ठीक होता है, स्पैम काउंट्स बढ़ जाता है इसमें। ये बबूल का पौधा का ये इसका छाल निकाल के उसका
उसका एक पाउडर बना के, चूरन बना के, उसी के साथ थोड़ा सा हल्दी डाल के, शरीर में खुजली होता है, खुजली के साथ उस जगह पे पानी पानी ऐसे जम जाता है, इसमें बिल्कुल पानी पानी होता है, उसी में लहाने से ये अपना इसका बबूल का छाल उसके साथ हल्दी डाल के उसमें लहाने से वो खुजली के साथ पानी होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, स्किन डिसीज इसमें लगाने से जल्दी ठीक होता है। पौधा का ये डंडी से मंजन करने से दाद मजबूत होता है, इसका मुंह में बैक्टीरियास रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। ये इसमें पहले सभी लोग गांव में सभी लोग इसी डंडी से मंजन करते हैं, उससे दाद मजबूत होता है, दाद जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें मंजन नहीं करेंगे ना भी, इसका ये छाल को थोड़ा सा मुंह में डाल के थोड़ा देर चबा के नीचे थूकने से भी इसका मुंह का बैक्टीरिया सब ख़त्म हो जाता है, दाद मजबूत होता है।